Welcome to my channel. Don't forget to like, comment, and subscribe. Hello friends, मेरा नाम वेणुगोपाल, सब लोगों को मेरा चैनल में स्वागत। मैं आज इधर बोलने वाला सब्जेक्ट है कोरोना के वैक्सीनेशन लेने के बाद बहुत सारे लोगों को एंजियोप्लास्टी करना पड़ा। एंजियोप्लास्टी मतलब मालूम है ना, जो हार्ट का जो ब्लॉक्स होता है उसका रिमूव करने के लिए, उसका निकालने के लिए ऑपरेशन जैसा होता है, वो अपोनेट ऑपरेशन नहीं है, वो ऐसा है, ये क्या बोलता है, ये ब्लड का जो अच्छी तरह फ्लो होने के लिए एक स्प्रिंग जैसा चीज हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर लगाता है, वही एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी का मतलब ऐसा, आपका वेन से एक ये जो स्प्रिंग जैसा चीज अंदर डाल के वो स्टेंट, वो उसको स्टेंट बोलता है, वो स्टेंट डालने, वही एंजियोप्लास्टी। लेकिन मैंने जो अभी मेरा जो अनुभव में जो हुआ है, कोविड वैक्सीनेशन लेने के बाद बहुत सारे लोगों को एंजियोप्लास्टी करना पड़ा, क्यों, ये विषय के बारे में मैंने ज्यादा कुछ मेडिकल इसमें से ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं, कुछ मिला नहीं, फिर भी मेरा बहुत सारा पहचान लोगों को ऐसा हुआ। आप भी इसके ऊपर नीचे एक वीडियो के नीचे कमेंट करके डालिए कि आपको किसी तरह ऐसा हुआ है, मेरे को हुआ है। मेरा कोविड इंजेक्शन अप्रैल 2021 में इंजेक्शन लेने के बाद मेरा जो जुलाई में मेरा एक ईसीजी लिया, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं। इन बीच में मेरे को तो शुगर का कंप्लेंट है, शुगर का कंप्लेंट लास्ट 15 साल से, तो मेरा कंट्रोल में है, ज्यादा नहीं था बट कंट्रोल में था, ऑलमोस्ट कंट्रोल। तो उसमें क्या हो गया, जुलाई 2021 में मेरा एंजियोप्लास्टी और एंजियोप्लास्टी ईसीजी लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। सडनली अक्टूबर 31 को मेरे को सुबह, मैंने थोड़ा योगा कर रहा था तभी मेरे को थोड़ा अनइजनेस लगा, ब्रीथिंग ट्रबल लगा। तो मैंने उसके 2 दिन पहले एक कन्नड़ा के एक्टर मर गया था, ऐसे ही भाई ओके मीन्स बेहोश हो गए, गिर पड़ा, मर गया। बट वो बहुत जिम में सब काम करने वाला बहुत यंग लड़का, 35 ईयर्स हो, उसका मौत हो गया। मेरे को लगा कि हम जाके देख रहा हूँ, देखेंगे क्या है, प्रॉब्लम है क्या, देखेंगे। मैंने हॉस्पिटल में चला, हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर मेरा ईसीजी ले इमीडिएटली बोलता है, इमीडिएटली पकड़ा बेटा तुम्हारा, अभी तो अभी एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, देर से ब्लॉक इन योर हार्ट, हृदय के अंदर ब्लॉक है, तो इमीडिएटली उसका ये करना, एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा करके मेरे को ऐसा पड़ा, ऐसा एडमिट कर दिया आईसीयू। तो क्या होता है, अभी ये लोग ऐसा बोलते हैं हमको, हमारा कोई वॉइस ही नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा बोलने का भी वॉइस नहीं है, वो बोलते हैं क्रिटिकल है, तो हम उसको वो जो डॉक्टर जो बोलता है मानता है। और क्या होता है, और इमीडिएटली इंजेक्शन, आईसीयू, बाहर नहीं जाने का, रेस्ट लेने का, आप बेड से उठाने का नहीं, बाथरूम में जाएगा तो भी बहुत संभाल के जाने का, बाथरूम में बेड में ही वो जो ये जो संविधान लेके आया था, बेड में भी बैठ के करने का, इवन बेड से नीचे नहीं उतरने का, ऐसा ऐसा मैं हॉस्पिटल चल के गया, देखो मैं हॉस्पिटल चल के गया था, मेरे को कोई इश्यू नहीं चल के जाने के लिए, लेकिन उधर पहुंचने के बाद ये बोलता है ऐसा ऐसा करके मेरे को मूवमेंट भी रेस्ट कर दिया, बहुत मूवमेंट रेस्ट कर दिया। एंड 3 दिन ऐसे ही आईसीयू में रखा, 4th डे मेरे को दूसरा एक हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया, उधर मेरा एंजियोप्लास्टी हो, एंजियोप्लास्टी हो गया। डॉक्टर मेरे को इसमें दिखाया, मॉनिटर में दिखाया कि आपका ब्लॉक इधर है, इधर है, तो क्या है, एक ब्लू कलर का ऐसा ऐसा मुंह हो रहा है, ब्लू कलर का ब्लड वेसल के अंदर ऐसा ऐसा मुंह हो रहा है, इधर ब्लॉक का डॉक्टर, तो हमको पैसे पता लगे उधर ही ब्लॉक को, डॉक्टर को ही मालूम, हमको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, हमको बोलता है ये ब्लॉक है बोलेंगे तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा। तो अब उसको एग्री करता है, 2 दिन और हॉस्पिटल देगा, देन 5th डे डिस्चार्ज कर दिया। तो प्रॉब्लम क्या होता है, ये ऐसा क्यों होता है, ये मेरे क्वेश्चन है, क्योंकि कोविड आने के पहले
जो कंप्लीटली तंदुरुस्त था और कोई प्रॉब्लम नहीं था उसको, उसको ऐसा आता क्यों? ये मेरे को छोड़ो, मेरे को छोड़ो, मेरे को शुगर का कंप्लेंट था, लेकिन मेरे को दूसरा बहुत लोग पहचान है उसका कुछ कंप्लेंट नहीं है, नो शुगर, ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं, उसको भी ये कोविड इंजेक्शन के बाद एंजियोप्लास्टी करना, तो कुछ रिलेशन है क्या इसके बीच में? कोई आइडिया नहीं है। इसलिए मैं ये वीडियो से लोगों को बोल रहा हूँ कि आपका भी कोई किसी का ऐसा हुआ है तो प्लीज कमेंट, वीडियो के नीचे कमेंट करो। ये समस्या गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए एंड गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा सीरियसली रिसर्च करना चाहिए क्यों ऐसा होता है, क्या कोविड वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम है और कोविड वैक्सीन लेने वाला लोगों को कोई प्रॉब्लम है और उसका कुछ वैसे ऐसा होता है और दूसरा कोई बीमारी की वजह से ऐसा होता है, मेरे को पता नहीं। उसका ऊपर कोई बड़ा स्टडी का कोई मेटीरियल मैंने मैंने कम से कम मैंने तो देखा नहीं, इसलिए मैं सबको ये बोल रहा हूँ प्लीज आपका किसी का भी ऐसा हुआ तो प्लीज कमेंट करो ताकि हम जानेंगे कितने लोगों को ऐसा हुआ है। इट्स ए काइंड ऑफ रिसर्च, रिसर्च का ऐसा है, प्लीज कॉपरेट। सबको वही बोलने वाला हूँ, मेरा वीडियो में पहले आने वाला, प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।